फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ आपके लिए हेयर टिप्स लेके। सो ये अमेजिंग हेयर टिप्स आपके हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। सो अगर हम लेट नहीं करते तो चलो देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है डिटेंगल योर हेयर बिफोर योर हेयर वॉश। सो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब हम लोग बाल धोते हैं तो हम उससे पहले सुलझाते नहीं हैं उनको, जिसकी वजह से वो और उलझ जाते हैं और धोने के बाद बाल और ज़्यादा उलझ जाते हैं, इसलिए हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है कि हमें हमेशा अपने बाल पहले सुलझाने चाहिए, देन वॉश करना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड वन, मसाज। एज वी नो कि मसाज हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए कितनी हेल्पफुल है। सो हमें वीक में 2 बार मसाज जरूर करनी चाहिए बालों की। अब आप पूछेंगे किससे, तो ऑब्वियसली मैं प्रिफर करती हूँ कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। थर्ड, यूज़ वुडन कॉम्ब। सो क्या होता है ना कि जो वुडन कॉम्ब हो, इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम नॉर्मल प्लास्टिक वाली कॉम्ब यूज़ करते हैं। सो अगर हम वुडन कॉम्ब चेंज करेंगे प्लास्टिक वाली कॉम्ब से, तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और हमारी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट वन इज़ कंडीशनर। डोंट यूज़ कंडीशनर ऑन योर स्कैल्प, यूज़ कंडीशनर ऑन योर टिप्स, आई मीन हेयर टिप्स, बिकॉज जब हम कंडीशनर हमारे सर पे रूट्स पे लगाते हैं तो हमें डेंड्रफ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो हमें कभी भी कंडीशनर हमारे इस एरिया में कभी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा कंडीशनर हमें यहाँ से स्टार्ट करके अपने रूट एंड तक लगाना चाहिए, टिप्स तक। सॉरी, प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम सन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं ना, हम लोग स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं बट बालों के मामले में हम थोड़े से चूजी हो जाते हैं। क्या ना कि हम लोग स्किन को ढकने के लिए हम लोग स्कार्फ यूज़ करते हैं, बड़े बड़े गॉगल्स यूज़ करते हैं बट बालों की केयर नहीं करते। सो जो यूवी रेज है वो स्किन के साथ साथ बालों को भी इफ़ेक्ट करती है। सो जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो प्लीज़ अपने बालों को किसी स्कार्फ से ज़रूर ढक के जाएं। नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो चाहे स्किन हो चाहे हेयर हो कुछ भी, इसलिए हमें एटलीस्ट 5 लीटर पानी तो ज़रूर पीना चाहिए दिन का, बिकॉज अगर हम हाइड्रेट रहेंगे तो हमारी जो हमारी बालों की रूट्स है इन्हें हम पोषण मिलता रहेगा, जिसकी वजह से ये इनकी ग्रोथ और इनकी केयर बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ सिल्क पिलो कवर। एक्चुअली हम क्या करते हैं, अपनी बेडशीट्स तो चेंज करते हैं वीक में एंड पिलो कवर्स भी चेंज करते हैं, बट क्या होता है ना कि अगर हम लोग बालों को क्या होता है कि हम लोग उसको अगर रात को सोएं तो उन्हें डिटेंगल करके सोएं, लास्ट में एक बार कॉम ज़रूर करें और एक ढीली सी पोनी टेल बना लें, एंड अगर वो सिल्क के स्कार्फ पे गए तो हमारे बाल बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आपके पास पिलो कवर नहीं होता तो सिल्क के स्कार्फ आते हैं, आप वो पिलो कवर पे लपेटें। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रिम योर हेयर। सो हम क्या करते हैं कि जिसको बाल बढ़ाने का शौक़ होता है बहुत, वो सोचता है कि अगर मैं बाल कटवा लूँगा तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है कि हम लोग अगर बाल कटवा लेंगे नीचे से तो हमारी बाल की ग्रोथ रुक जाएगी, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो बाल की ग्रोथ जड़ से होती है, ना कि यहाँ से। अगर हम यहाँ से उसका ख्याल रखेंगे ऑब्वियसली वो बढ़ेंगे। सो हमें हर 3 महीने में अपने बाल थोड़े थोड़े ट्रिम करवा लेने चाहिए बिकॉज स्प्लिट एंड्स की वजह से। और स्प्लिट एंड्स का जो इलाज है वो अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑनियन, बिकॉज ऑनियन के अंदर सल्फर होता है जो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो हमें ऑनियन यूज़ करना चाहिए। आपको सिंपली ऑनियन लेना है, उसको क्रश करना है, उसका रस निकालना है, देन इकट्ठा करके उसको नहाने से आधे घंटे पहले अपने बालों में लगा लेना है। अगर आपको उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है तो आप उसको अपने शैम्पू में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इसकी आप 1 से 2 बार में ही आपको इसका। एंड लास्ट वन
लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो जो हम लोगों ने देखा होगा बचपन में या बहुत सारे लोगों को देखा है जो हमेशा ऐसे 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 करते रहते हैं, तो हम लोगों ने ऐसे शौक शौक में किया भी होगा एक बार, बट अभी हमें पता चलता है कि इससे करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। सो अगर जब भी हम बैठे हैं, आई मीन टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं जो जिसमें हम लोग सिर्फ देख रहे हैं लाइक फ़ोन देख रहे हैं ऑल, तो हम लोग ये कर सकते हैं जिसके वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। लास्ट वन इज हेयर प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्लर, ये हमें जितना हो सके कम यूज़ करना चाहिए अपने बालों में, बिकॉज हीट की वजह से हमारे बाल बहुत डैमेज होते हैं जिसका नुकसान हमें आगे जाके बहुत भुगतना पड़ता है। सो अभी से अगर हम अपने बालों की केयर करेंगे तो आई मीन यू नो कि अभी से करेंगे तो हमें आगे जाके इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जितना ये लोग बोलते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं नॉल। तो प्लीज़ अपने बालों की आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, अगर आपको मुझसे कुछ भी जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।